यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ। सेना में भर्ती के लिए भाजपा के केंद्र सरकार द्वारा निकाली गई अग्निपथ स्कीम पर देश भर के युवाओं ने चलने से इनकार कर दिया है। उन्हें आशंका है कि 4 साल में नौकरी से रिटायर होने के बाद उनके भविष्य का क्या होगा। प्रदर्शनकारियों ने यह सवाल भी किया है कि 4 साल बाद वे क्या करेंगे। क्या देश हित में बंदूक उठाने वाले युवा बेरोजगारी में रह जाने के लिए बंदूक उठाने के लिए बाध्य होंगे। जाहिर बात है, इन सवालों ने केंद्र की भाजपा सरकार को परेशानी में डाल दिया है। विरोध का यह आलम है कि बिहार से शुरू हुआ यह विरोध आंदोलन देश के बाकी कई हिस्सों में फैल चुका है। रेलगाड़ी में आग में तोड़फोड़ की जा रही है। बिहार में रेलगाड़ी जलाने के बाद एक यात्री की जलने से मौत हो गई। वहीं यूपी के बुलंदशहर में भी युवाओं ने विरोध प्रदर्शन के साथ ही पथराव भी किया। युवाओं ने एक बस में आग लगाने का प्रयास भी किया। पुलिस ने यहां 2 युवकों को हिरासत में लिया है। मेरठ में जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए युवाओं ने कमिश्नरी पर विरोध प्रदर्शन किया। योगी सरकार के साथ ही भाजपा मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ सुनाई दिए। इन युवाओं ने 20 जून को दिल्ली कूच करने की चेतावनी भी दी है। इन्होंने सवाल किया है कि 4 साल बाद क्या करेंगे। सिकंदराबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से एक युवक की मौत हो गई है। अग्निपथ स्कीम का विरोध करने वालों की यह पहली मौत है। यहां करीब 13 लोग घायल भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल के रेलवे जोन के विभिन्न स्टेशनों पर चल रहे छात्र आंदोलन के कारण 9 ट्रेनें रद्द और 9 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। इन हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि अब अग्निपथ पर चलने की बारी भाजपा की केंद्र सरकार की है। देखिए कुछ झलकियां। ओपन भर्ती पहले ऐसे और कुछ नहीं चाहते हैं भैया। 2020 में थी हमारी ओपन भर्ती आगरा वाली, ठीक है जी। हमारे हुए मंत्र है वो हुई पूरी 1 साल बाद, मतलब 18 मार्च की 2020 में भर्ती, 21 में हुई हमारी भर्ती और अब 22 चल रहा गया। अभी 1 साल होगा पेपर भी नहीं हुआ। 3 साल की एनसीसी करी हमने, 3 साल से कर रहे मेहनत, अब 4 साल की भर्ती उसमें करेंगे क्या? तब आप होंगे 4 साल फिर आज फिर आप सर हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम करेंगे। सर आप एक बात तो बताओ, आप इस चीज को कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो उसके लिए मेहनत कर रहे हो और वो ही कैंसिल हो जाए तो आप करोगे? नहीं नहीं पैसे की चुहाना होती है, हम इस गेम में नहीं बढ़ाते, हम गेम ही नहीं करते। 4 साल, अरे हमें 4 साल के बाद आएगा और नौकरी करनी होती है, हम इसी फील्ड में की जाते हैं। हमें पैसों के लिए नौकरी नहीं करनी, इतना पैसा तो महीने में होता है भैया, कम से कम 14,000 से 15,000 रुपए एक जना है। हमने सुपलाइन देखा और कुछ, हम 10वीं के बाद पढ़े नहीं, हमें तो आर्मी में जाना, हम 10वीं के बाद पढ़े ही नहीं, घर वाले लड़े हमारे साथ और कुछ कर लो, हम तो नहीं पढ़े नहीं, आर्मी में जितना ये करेंगे ना हमारे लिए इतना तो पैसा पानी की तरह भा दिया भाई, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं, जितनी तनखा पनखा फंड वंड इतना तो बालकों ने ये जितने खड़े सब यूं ही भा दिया। 4 साल में क्या कर लोगे यार, यूं बताओ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। 4 साल बाद क्या गारंटी है ये हमें नौकरी दे देंगे? आधे इतने बालक है जिनके फिजिकल भी हो गए, टेस्ट रुके पड़े सब कैंसिल। भाई एक बात बताओ, कितनी मेहनत करके गया बालक यूं ही बहे, एकदम कर दिया कांड उसकी गैला है। 5 बार पेपर पूछे मेरे भाई स्पोर्ट्स के हैं, BSF और ITBP का रेस मार दी, BSF की ITBP तुरंत कैंसिल। बताओ ये सब जो है अभ्यर्थी है यहाँ पे आए, इनको ये समझाया गया कि आप अगर रोड पे आएंगे किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन रोड पर करेंगे, लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए आप कुछ कानूनी
अपनी गैर कानूनी बात करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, और हुई भी है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि लोगों ने इस बात को माना और अपने करियर का भी ध्यान रखते हुए इस बात पर उन्होंने जो है एक ज्ञापन दिया है। हमने आश्वासन दिया है हमने डीएम साहब ने कि ज्ञापन जो है जहाँ ऊपर के लिए भेजा गया है डीएम साहब और ऊपर भी गवर्नमेंट तक भी उस ज्ञापन को भेजेंगे और जो इनकी मांगे हैं उनको ऊपर तक हम भिजवाएंगे, जो इनकी समस्याएं हैं जो इनका जो व्यू है उस व्यू को ऊपर तक पहुँचवाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की लोगों ने कानून व्यवस्था बना के रखी, शांति का प्रदर्शन शांतिपूर्वक भारत के अंदर प्रदर्शन किया, बाहर निकल के नहीं आए। इसके लिए मैं लोगों से बाकी आपके माध्यम से और लोगों से भी अपील करता हूँ कि इस बात का ध्यान रखें, शांतिपूर्वक शांति बना के रखेंगे तो हम उनकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।